पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में पेंशन दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के कई स्थानों पर कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मुरादाबाद के कपूर कंपनी स्थित नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के कार्यालय पर पेंशनर्स दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन कराया गया। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के केंद्रीय उपाध्यक्ष कामरेड एमपी चौबे ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आज सभी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के साथ उनकी अनेक समस्याओं पर चर्चा की जा रही है। पेंशन दिवस के रूप में 17 दिसंबर को प्रति वर्ष मनाया जाता है। ये हमारा जो संगठन है वो ऑल इंडिया रेलवे मेंस रिटायर्ड फेडरेशन की एसोसिएशन है और आज 17 दिसंबर को प्रतिवर्ष की बात, इस वर्ष भी तमाम हमारे सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं, जो पेंशनर्स हैं, उन्होंने इसमें सहभागिता की है। आज के मौके पर तमाम लोगों ने, जिनकी ग्रीवांसेस यहाँ बैठ के हमारे तमाम जो साथी हैं हमेशा उसको रिड्रेसल करने का काम करते हैं, साथी मक्खन सिंह, साथी दीक्षित, साथी फतेह बहादुर सिंह, साथी अशोक शुक्ला और तमाम साथी रोज आ करके यहाँ बैठते हैं और वो अपने ग्रीवांसेस को रिड्रेसल कराने का काम करते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि अभी चंद साल हुए हमारे इस एसोसिएशन की दूसरी विंग को बने हुए और यहाँ कम से कम हम जानते हैं कि 700-800 ग्रीवांसेस जो यहाँ कंप्लेंट के रूप में आई हैं उनका रिड्रेसल होने का काम हुआ है। और यहाँ केवल इस मंडल का ही नहीं, इस मंडल के इतर दूसरे रेलवे के भी कर्मचारी जो मुरादाबाद में रहते हैं और उन्होंने भी अगर अपनी कोई ग्रीवांसेस यहाँ ला के देने का काम किया, उनका भी समाधान कराने का हमारे साथियों ने काम किया है। ये पेंशन आज जिन साथियों को मिल रही है उनसे भी हम लोगों ने आह्वान किया है कि जो नए साथी 1-1-4 के बाद भर्ती हुए हैं, जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, उनका आंदोलन स्टेट लेवल से लेकर के और सेंट्रल लेवल तक लगातार चल रहा है। उसमें कुछ आंशिक सफलता भी मिली है, उसका भी जिक्र हम लोगों ने किया है। और हमने अपने साथियों से, जो बुज़ुर्ग साथी हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनको भी आह्वान किया है कि आने वाले दिनों में अगर कोई संघर्ष का एक मुश्त बिगुल बजता है तो उसमें बढ़ चढ़ करके हमारे रिटायरमेंट के जो साथी हैं, पेंशनर साथी हैं, वो नए पेंशन स्कीम में जो आने वाले साथी हैं उनको पुराना पेंशन स्कीम दिलवाने के लिए उस संघर्ष में अपने सहभागिता देने का काम करेंगे। क्योंकि ये पेंशन कोई भीख नहीं है, ये पेंशन बहुत लड़ाई करने के बाद 1957 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उस आदेश के बाद 1972 में इसकी अधिसूचना जारी हुई, अधिसूचना जारी के बाद तमाम इसमें अनियमितताएँ थीं, उन अनियमितताओं को दूर करने के लिए जो रिटायर्ड फेडरेशन है और ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन है उसने बड़ा संघर्ष किया और उस संघर्ष के बाद 79 से हमारा जो है वो एक मुफ्त पेंशन मिलने का काम हुआ। अब नए पे कमीशन में पहले हमें 10 महीने के एवरेज के हिसाब से पेंशन मिलती थी, अब नए पे स्केल में जो लास्ट पे ड्रान है उसका 50% कर्मचारियों को पेंशन मिलता है। तो जो साथी पेंशन ले रहे हैं उनका जीवन यापन बहुत सुखमय है, परिवार के साथ वो स्वस्थ हैं, उनका एक परिवार में सम्मान भी है, लेकिन आने वाली पीढ़ी जिनकी पेंशन समाप्त की गई है उनकी भी चिंता हमारे तमाम साथियों को है। और इसीलिए भारत सरकार से अनुरोध भी है और तमाम कर्मचारियों के तरफ से भी, चाहे वो स्टेट के कर्मचारी हों चाहे वो केंद्र के कर्मचारी हों, उनकी जो डिमांड है, हमें आशा है कि फेडरेशन जिस तरीके से इसको लड़ाई को लड़ रही है निश्चित तौर पर इस पर विजय श्री मिलने का काम होगा और नए कर्मचारियों को भी पुराने पेंशन स्कीम से लाभान्वित कराने का काम हम लोग करेंगे। उसके लिए संघर्ष चाहे कितना हो बड़ा